Good morning students, myself Manjeet, your science teacher. Today we continue our chapter number 1st, motion. In our last lecture we discussed about velocity time graph and displacement time graph. It means that velocity graph and acceleration graph. And in this lecture we discuss about equation of motion. Basically हम इस lecture में discuss करेंगे graphical method से हम equation of motion को कैसे drive करते हैं. Next lecture में हम किसी दूसरे method से भी इनको drive करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने तीन फॉर्मूलोज को रीड किए, तीन फॉर्मूले आपने यूज किए हैं हर न्यूमेरिकल के लिए. जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं या फिर जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है उसके अंदर आपने सिर्फ तीन फॉर्मूलेज को यूज किया. फर्स्ट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. नेक्स्ट हमारे पास था एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. वी आई से अगर मैंने यहाँ पे एफ और आई से रिप्रेजेंट किया है तो एफ आपका डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को एंड आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को. क्लियर. सो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मैथड. इक्वेशन ऑफ मोशंस आर यूज टू सोल्व द वेरियस न्यूमेरिकल्स इन मैकेनिक्स. फिजिक्स की आपकी ब्रांच होती है अलग अलग, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बहुत सारी टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए यूज करते हैं. बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में ग्राफ है. ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशनशिप है यहाँ पे. नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस. फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है वी यू, इट मीन्स दैट वेलोसिटी एंड टाइम. सो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन देगा. सेकेंड हमारे पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशन हमें मिलेगी इस इक्वेशन से. ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच के रिलेशन हमें बताता है. थर्ड हमारे पास है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस. और यहाँ से हमें मिलती है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. एस इज अ डिस्प्लेसमेंट. सो इनको ड्राइव करने के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं वी टी रिलेशन से. इक्वेशन फॉर वी टी रिलेशन, इट मीन्स दैट वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ग्राफ. तो हमने क्या लिया, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो वी ए पॉइंट पे होगी. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो बी पॉइंट पे होगी. क्लियर. ए टू बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. सो इसी को हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया. कोई भी एक बॉडी है उसने मूव करना स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेते हैं, टाइम. वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं वेलोसिटी. क्लियर. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ग्राफ ले रहे हैं, वीटी ग्राफ है. तो आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग आएगी वेलोसिटी एंड टाइम जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग आएगा टाइम. सो कोई भी बॉडी उसने मूव करना स्टार्ट किया किसी भी पॉइंट ए से. मान लिया हमने पॉइंट ए ये है, किसी पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, वो मूव करते करते बी पॉइंट पर पहुंच गई. अब बी पॉइंट पर उसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हमें नहीं पता क्या वेलोसिटी, बट कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी होगी. क्लियर. सो ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वाला जो आपकी ये वाली जो लाइन है, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करी. तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या, फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से. जीरो टू ए, सॉरी ओ टू ए, ये आपकी क्या है, इनिशियल. तो इनिशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. जीरो ओ टू डी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ पे ये टाइम आपका होगा टी. क्लियर. इतना समझ आ गया सबको. फाइनल माइनस इनिशियल पोजिशन हमें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे ये हमें क्या लिखा है, हमने यहाँ पे मोशन. दो दीज इक्वेशंस गिव रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडीज. इन सब के बीच में रिलेशनशिप हमें इन तीन इक्वेशन से मिलता है. तीनों इक्वेशन आपने लर्न करनी है. एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ बॉडीज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है जिस टाइम जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है. सो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं. ग्राफ आपने ध्यान रखना है. इक्वेशन फॉर वी टी रिलेशन
एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ. एक्सेलरेशन वाला जो ग्राफ था उसका जो एरिया था वो हमें देता था डिस्प्लेसमेंट, बट जो उसका स्लोप था, स्लोप हमें देता था एक्सेलरेशन. स्लोप हमें देता था एक्सेलरेशन. स्लोप कैसे फाइंड आउट करते थे? स्लोप आप फाइंड आउट करने के लिए आपने कोई भी ग्राफ लिया है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, उसके ऊपर दो पॉइंट आपने कंसिडर करने हैं, उन दो पॉइंट को आपने एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड करने के बाद वाई टू माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 की इक्वेशन आपने लगानी है इज इक्वल टू स्लोप. ऐसे से मैं स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे. y2 के अलोंग क्या है? वेलोसिटी इन केस ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ सॉरी. एंड x एक्सिस के अलोंग क्या है? टाइम. तो यहाँ पे क्या आएगा? वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन टी टू माइनस टी वन. ये क्या आएगा आपका? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को. इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इन केस ऑफ वीटी ग्राफ. ओके, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी. अब हमारे पास ग्राफ क्या है? ये जो नीचे दिख रहा है इसमें देख लेते हैं. ऐसा ही सेम ग्राफ है हमारे पास. अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई है? वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? बी डी. और इनिशियल क्या है? ए ओ. तो बी डी माइनस ए ओ या फिर ओ ए डिवाइड बाई टाइम टेकन. टाइम टेकन कितना लगा है? ओ टू डी. ओ टू डी के बीच की वैल्यू कितनी है? टी. आगे नेक्स्ट में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं. बी टू डी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू. टाइम कितना लगा है? टी. क्लियर. अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है. टी को हम उस साइड लेके जाएंगे. ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. ये यू है आपका. ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू. अगर हम इस यू को उस साइड लेके जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी? ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी. तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्लियर. जबकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने ड्राइव किया है ग्राफिकल मैथड से. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. मैथड वही है, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं. एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी जिस टाइम हमने ग्राफ बनाए थे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय टू. तो यहाँ पे जो आपका ये ग्राफ बन रहा है ये एक तरह से ट्रेपीजियम ही है. तो यहाँ पे इसका जो ये वाला एरिया है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय टू. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये वाली. क्लियर. और हाइट हमने ली है ओ डी. तो ओ डी कितना है? टी. जहाँ वैल्यू पुट के यहाँ देखो, एस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसको डिफाइन करता है? डिस्प्लेसमेंट को. तो एस इज इक्वल टू वन बाई टू, ये वन बाई टू लिखा हुआ जो वन बाई टू मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स मतलब बी डी प्लस ओ ए. बी डी प्लस ओ ए. बी डी की वैल्यू कितनी है? वी. ओ ए की वैल्यू कितनी है? यू. तो वी प्लस यू मल्टीप्लाई हाइट. हाइट हमने क्या लिया है? ओ डी. ओ डी की वैल्यू कितनी है? टी. ओवरऑल वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हमने करना है सोल्व. टी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. वी टी प्लस यू टी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एस. इस टू को उस साइड लेके जाएंगे. 2s इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 2s इज इक्वल टू वी टी प्लस यू टी. अब यहाँ पे हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी हमारी. फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या था? v इज इक्वल टू, वन मिनट, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी. ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है. अब यहाँ पे हमारे पास v माइनस यू बाई ए ये वैल्यू आई हुई है. v माइनस यू बाई टी, क्योंकि टाइम है, टाइम है. हमने क्या बोला था? सेकेंड वाली जो इक्वेशन थी वो हमें किसके बीच में रिलेशन देती है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में. क्लियर. मैं दिखा देती हूँ आपको. जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी वो हमें देती है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. ये वाली इक्वेशन हम ड्राइव कर रही हैं, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर रही हैं. ये इक्वेशन हमें देती है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप.
तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना है तो जो टाइम वाली टर्म है वो हमने इसमें से निकालनी पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड v माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी, इस टी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, हर जगह पे टी की वैल्यू पुट करते हैं। टी की वैल्यू क्या आई, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, वैल्यू पुट करने के बाद हमने करना है सोल्व, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वी स्केयर माइनस वी यू क्लियर डिवाइड बाई ए प्लस यू वी प्लस यू वी माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई ए, और ये टू डिवाइड बाई में था ही, क्लियर। अब यहाँ पे ये वी यू माइनस में है और ये वी यू प्लस में है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, देन वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई ए, वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई ए, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में टू भी है तो टू ए आपका इकट्ठा हो जाएगा इज इक्वल टू एस। अब ये जो टू ए है इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस, जो आपकी है थर्ड नंबर पे मैंने लिखी हुई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर, जो हमें बताती है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन हमारे पास है जो हमें देगी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम के डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ से हम निकालते हैं, अभी तक हमने क्या किया, सिंपल जो ग्राफ था इसको हमने सोल्व किया, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमने लिया, सिंपल वैल्यू पुट की, टाइम वेलोसिटी यू इनिशियली वी फाइनली सिंपल वैल्यूज़ पुट करके किया, फिर हमने क्या किया इसका हमने एरिया निकाला, क्लियर, पहले स्लोप से कर लिया एक्सेलेरेशन वाले से, फिर हमने इसका एरिया निकाला, एरिया हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या कर ली इक्वेशन फाइंड आउट की सेकंड। अब हमने क्या किया, ये ट्रेपेजियम के साथ साथ हमें कुछ और भी दिख रहा है, ये जो आपका ग्राफ है ये इस टाइप का ग्राफ है, तो यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करूं, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगा और एक रेक्टेंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा और रेक्टेंगल बनेगा। अगर मैंने इसका पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूँ और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, तो वहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यही हमने करना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, क्लियर। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू हाइट, क्लियर। एंड रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइड्स की मल्टीप्लीकेशन लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बी की वैल्यू क्या है इन केस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर जो आपकी ब्रेथ है वो क्या है, ए सी मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, हाइट आपकी ये वाली है बी सी, तो ए सी मल्टीप्लाई बी सी, लेंथ कितनी है इन केस ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है आपकी ओ ए एंड ब्रेथ कितनी है ओ डी, क्लियर। तो इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है, ये लाइन इसके पैरलर है सो ए सी की वैल्यू होगी टी हमने पुट किया, बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू आपकी वी, और यहाँ से ये इसके पैरलर है तो ये इतनी कितनी होगी, ये होगी यू, तो वी माइनस यू आपका क्या आ जाएगा बी सी, क्लियर। तो यहाँ से हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की, वी माइनस यू, ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, ओ डी की वैल्यू है टी, तो यू मल्टीप्लाई टी, क्लियर। यहाँ से ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है हाफ टी वी, टी की इसके साथ मल्टीप्लाई और टी की यू के साथ मल्टीप्लाई, टी वी माइनस टी यू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो वी माइनस यू की वैल्यू पुट कर सकते हो लास्ट वाली इक्वेशन से, वही कर लेते हैं हम, लास्ट वाली इक्वेशन से वी माइनस यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से इस यू को उस साइड लेके जाएंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो ये v माइनस यू की जो वैल्यू है इसकी जगह पे ए टी पुट करेंगे, ए टी पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हाफ टी ए टी प्लस यू टी, तो हाफ ए टी स्केयर यू टी स्केयर इज इक्वल टू एस, क्लियर। तो यहाँ से s को हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, क्लियर। अब इनके अलावा एक अदर इक्वेशन भी होती है जिसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, थ्री इक्वेशन आपकी जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी वो वही थी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आ सकती है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये।